खुशामदीद कहते हैं जनाब एसपी न्यूज पर। और आल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट ये जारी है 56 टीमों का, और आप वही करने वाले उसके बारे में बात करना चाहेंगे। अल्ताफ के जो खिदमात है क्रिकेट के अंदर वो बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब क्रिकेटर को कोऑपरेट करते हैं और क्रिकेटर को सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी अच्छी क्रिकेट खिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अल्ताफ भाई जो टूर्नामेंट कराते हैं, बड़ा क्लियर और बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट कराते हैं जिसके अंदर सारे स्टार और सारे प्लेयर खेलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जो टूर्नामेंट में कोई अधूरी बात रह जाए। मेरी तरफ से तो मैं कहता हूँ टूर्नामेंट चल रहा है और दूसरी बाबा स्पोर्ट्स को टूर्नामेंट ज़्यादा ज़्यादा हाँ जी बिल्कुल। आल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 जो कि खेला जा रहा है दाऊद क्रिकेट ग्राउंड कराची में, आज का एक मैच खेला गया बनारस स्पोर्ट्स वर्सेज बाबर स्पोर्ट्स के दरमियान। बाबर स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 106 रन का टारगेट दिया, जब वह में बनारस स्पोर्ट्स की टीम ये हदफ 8 या 1 ओवर में हासिल किया। मैन ऑफ द मैच रहे आफ्ताब खान। इस टूर्नामेंट के तमाम मैच चनाब क्रिकेट अकेडमी के फेसबुक पेज पर लाइव दिखाए जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है राव अल्ताफ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इश्तियाक, अकरम हंजराल, चनाब एचडी न्यूज़ कराची।